हेलो फ्रेंड्स, पिंकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए चना दाल के कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत टेस्टी होती है और बहुत इजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चना दाल कटलेट बनाना। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी चना दाल लिया था, इसको मैंने रात भर भिगो लिया था और मैंने इसे पानी में से अच्छे से छान लिया है। अब मैं एक जार में डालूंगी अपने चना दाल, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको एक महीन पेस्ट तैयार करें हम। फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, देखिए इसी तरीके से आप भी पीस लीजिएगा, बिना पानी डाले बहुत अच्छा पीस जाता है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक जार और ले लिया है, इसमें डालूंगी लहसुन कलियां, 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा है, 4-5 काली मिर्च के दाने, इसको भी एक महीन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ मैं। मैंने जो चना दाल पीसा था उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, ये देखिए आप। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 कटी हुई प्याज, 1 चम्मच गरम मसाला, छोटा चम्मच है, 1 चम्मच नमक, ये भी चाय का छोटा चम्मच से डाला मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और फ्रेंड्स, जो हमने पेस्ट पीसा था लहसुन हरी मिर्ची और जीरा का, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन हाथों से क्रश करके डाली है। तो इन सबको हम आपस मिला लेंगे। मैंने आपको इसमें वीडियो में दिखाया नहीं है, लेकिन जो मैंने पेस्ट तैयार किया था लहसुन मिर्चा जीरा का, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए, हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसके हम छोटे छोटे कटलेट बनाएंगे। देखिए, इसी तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से बन जाते हैं फ्रेंड्स। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैंने सारे कटलेट तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने कटलेट को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने इसको डीप फ्राई किया है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सब डाल देंगे अपने कटलेट। अब इनको पलटते हुए सेक लेंगे दोनों साइड से। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पक गए हैं, ये कलर भी कितना अच्छा आ रहा है इनका। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और आप इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप ये चना दाल की कटलेट बना के ज़रूर मौसम का मज़ा लीजिएगा। इस तरीके से चलाते हुए हमें दोनों साइड इनको सेक लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारे कटलेट में, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। तब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे कटलेट बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कटलेट बनके एकदम तैयार हो गए हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई और रेसिपी बनानी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।